गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 31 तारीख की रात इस्माइल हनिया को तहरान ईरान में मार दिया जाता है। जिस तरीके से इस असैसिनेशन को प्लॉट किया गया था, ऑलमोस्ट सभी को ये मालूम पड़ जाता है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ है। लेकिन अब तक इसराइल ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं माना है कि इस असैसिनेशन के पीछे मोसाद का हाथ है। लेकिन इस असैसिनेशन के बाद एटलीस्ट दो चीज़ जो सभी को समझ में आ गया है वो ये है कि मोसाद एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी वो कितना कैपेबल है और कितना डीप किसी भी देश के अंदर वो घुस के कितना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने दुश्मन को वो हिट कर सकता है। और दूसरा जो समझ में आता है वो ये है कि ईरान का जो डिफेंस है या डिफेंस में भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कितनी कमियां हैं ये भी मालूम पड़ जाता है। क्योंकि जिस जो गेस्ट हाउस इस्माइल हनिया को एलोकेट किया गया था उसमें मल्टीपल रूम्स होंगे, लेकिन उसमें भी तीन रूम का इस्तेमाल किया जाता था। एज़ पर रिपोर्ट ये कहा जा रहा कि उन तीनों रूमों में बॉम्ब्स को प्लांट किए गए थे और जो प्लांट करने वाले लोग थे वो ईरान के हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे। कहने का मतलब है कि वहीं के लोगों को मोसाद पिक करता है और वहीं के लोग अपने लीडर्स को मारते हैं। तो ये सुन के बहुत ही छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहें या जब आप ये सोचते हैं कि आपको हमास के पॉलिटिकल डिवीजन के चीफ को मारना है, तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि जब इसराइल ये सोचा होगा या जब प्लान बनाया होगा कि उसे इस्माइल हनिया को मारना है, तो ऑलमोस्ट उसे ये बात तो पता होगा कि हमास उसके ऊपर काउंटर अटैक करेगा या ईरान अटैक करेगा या हिजबुल्ला अटैक करेगा। एग्जैक्टली कुछ हुआ भी ऐसे ही, जहाँ पे जो हिजबुल्ला यानी कि जो लेबनान जिसको सपोर्ट करता है वो कुछ मिसाइल्स वगैरह या कुछ रॉकेट्स, मिसाइल तो नहीं कहूँगा, रॉकेट्स वगैरह दागे हैं इसराइल में, जहाँ पे अब तक कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आ रहा कि किसी ह्यूमन का कैजुअल्टी हुआ है इसराइल के साइड में। उसके पीछे का भी वजह है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और इनके जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी कैपेबल हैं, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि जब हिजबुल्ला ये प्लान बना रहा हुआ कि वो अटैक करेगा तो इसके बारे में भी मोसाद को खबर मिल गया होगा। और उसके बाद मोसाद के बारे में या इनफैक्ट इसराइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसराइल के जो एजेंट्स वगैरह हैं वो दुनिया के हर देश में तैनात है, जिनके साथ इसराइल के संबंध बेहद ख़राब हैं। उसके बाद आज के डेट में इसराइल को सिर्फ एक देश की ज़रूरत है, वो है US। और US जिस हिसाब से इसराइल को सपोर्ट करता है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है अनकंडीशनल सपोर्ट का। अगर किसी को नहीं पता है कि अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो वो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रहा उसको वो देख ले। US अपने फोर्सेस का मूवमेंट करना शुरू कर दिया है या इनफैक्ट कर चुका है, या बहुत हद तक उनके जो फोर्सेस होंगे वो पहुंच गए होंगे इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। वॉरशिप का मूवमेंट हो गया है, या यूं कह लें कि पॉसिबली जो अपना डिफेंस का एक बहुत बड़ा यूनिट है US है, उसको भेज दिया है इसराइल के सपोर्ट में। जब हम ये सुनते हैं तो हम ये भी सोचें कि जब आप इतना बड़ा मूवमेंट करते हैं तो इसके पीछे पैसे खर्च होते हैं, और जब मूवमेंट जितना बड़ा होता है पैसे भी उतने ही खर्च होते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि US किस हद तक जाके इसराइल को सपोर्ट करने को तैयार है। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर आप किसी भी तरीके से इसराइल के साथ अपने संबंध को ख़राब करते हैं तो डायरेक्टली आप अपने संबंध को USA के साथ भी ख़राब करते हैं। कुछ छुटपुट जो प्रोटेस्ट हुए वो पाकिस्तान में हुए, बहुत हद तक टर्की में भी इसको लेके प्रोटेस्ट हुए। टर्की का जो एम्बेसी है टेल अवीव यानी इसराइल में, वहाँ पे उस एम्बेसी के ऊपर टर्की का झंडा लगा हुआ था, तो उसको क्या करते हैं कि वो आधा कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, जहाँ पे टर्की ये दिखा रहा था कि इस्माइल हनिया के असैसिनेशन को लेकर टर्की काफ़ी खफा है। उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाला जाता है फॉरेन मिनिस्ट्री इसराइल की तरफ से, जहाँ पे कहा जाता है कि जिस तरीके से टर्की इस्माइल हनिया को सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके मरने पे टर्की को इतना ही अफसोस है तो वो वापस टर्की जा सकता है और एर्दोगान के साथ मिल बैठ के अपने दुख को बांट सकता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मली ये सब जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज हैं, इसको डिप्लोमेट्स कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ मालूम पड़ता है कि आज के डेट में इसराइल और टर्की के संबंध खराब हुए हैं।
और उसके बाद जिस तरीके से इसराइल अटैक कर रहा टारगेटेड तरीके से, यूएसए कह रहा है कि इसराइल को हक मिला हुआ है अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने का। आपको याद होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक असैसिनेशन अटैम्प्ट को अंजाम दिया गया था जिसमें भारत के एक निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं वो फ़िलहाल यूएस के कस्टडी में है। ऐसा यूएस के द्वारा कहा गया है कि निखिल गुप्ता रॉ के एजेंट है या उनके या रॉ के द्वारा उनको हायर किया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू ओपनली भारत को तोड़ने की वो बातें किया है, करता हुआ आया है। जब उसके असैसिनेशन अटेम्प्ट में भारत का नाम आता है तो यूएसए हमें मल्टीपल टाइम पुश करता और वो कहता है कि यूएसए कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके सिविलियंस को या उसके सिटीजन्स को मारा जाए किसी भी तरीके से। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास दो देशों का सिटीजनशिप है, एक तो है कनाडा का है, दूसरा है यूएस का। एक तरफ यूएस इसराइल को फुल ऑन सपोर्ट कर रहा जहां पे 40,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं गजा में, अभी भी इसराइल अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर रहा। वहीं पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को अंजाम दिया जाता है, अब तक कोई यहाँ पे मरा नहीं है, उसको लेके मल्टीपल टाइम्स यूएसए हमें पुश किया है। तो यहाँ से भी आप समझिए कि हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है और किस तरीके से यूएसए का डुअल नेचर है। तो अगर जो करंट सिचुएशन हो रखा है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान आज के डेट में थोड़ा सा उसके पॉलिसीज़ वगैरह अच्छे होते हैं तो यूएसए हर वक्त पाकिस्तान को ही चुनेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।